और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हवाला देते हुए थानों से वाहवाही लूटने वाली प्रेस नोट जारी कर जिले की खुलासा बहादुर पुलिस कई घटनाओं का राजफाश करने में नाकाम रही है। वह चाहे मूर्तिहार क्षेत्र में मिली अज्ञात युवती का जंगलों में बरामद शव का मामला हो या फिर कैसरगंज इलाके में अजली अवस्था मिले युवक के शव का मामला हो, ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है जिनका खुलासा करने में जिले की खुलासा बहादुर पुलिस खुलासा करने में नाकाम रही है। ताजा मामला शहर के थाना कोतवाली नगर इलाके के बसीरगंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत किला मोहल्ले का है, जहां 23-24 मई के दरमियान रात को किला मोहल्ला निवासी यार मोहम्मद पुत्र सफी उल्ला अपने पैतृक गांव फतेहपुआ अपने परिवार के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे और घर पर सिर्फ उनके पिता थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर की गेट व सभी कमरों के ताले तोड़ सिलाई मशीन, रेंजर साइकिल, सीसीटीवी कैमरा व सिस्टम, जेवरात व 1,20,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना उनके पड़ोसी द्वारा सुबह करीब 5:30 बजे दी गई और जब वो घर पहुंचे तो उनके पिता बेहोशी के हालत में पाए गए। पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और चली गई। पीड़िता का कहना है कि 2 दिन बाद घटना की FIR दर्ज की गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो चोरों को पकड़ा गया और न ही चोरी गया सामान ही बरामद हुआ। बताते चलिए कि यह एक प्रकरण नहीं है जिसकी गुत्थी बसीरगंज चौकी इंचार्ज व उनकी पुलिस सुलझा नहीं सकी है। लगभग 1.5 माह पूर्व बसीरगंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत ही एक युवती की अपहरण के मामले की गुत्थी भी इलाकाई पुलिस सुलझाने में नाकाम है। अपहरण मामले में FIR नामजद आरोपियों के विरुद्ध दर्ज है, इसके बावजूद न तो चौकी की पुलिस अपहर्ता को बरामद कर सकी और न आरोपियों को गिरफ्तार। अपहरण मामले में अपहर्ता के परिजनों ने बसीरगंज चौकी इंचार्ज पर उल्टा उन्हें धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप लगाते हुए SP कार्यालय पहुंच शिकायत की है। यह स्थिति तब है जब जिले की पुलिस कप्तान सुजाता सिंह ने व्हाट्सएप पर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर रखे हैं। इलाकाई पुलिस बस चालानों के सहारे अपनी सराहनीय कार्यों का प्रदर्शन कर कागजी कोरम पूरा करने में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी जिले की पुलिस कप्तान इस पर क्या एक्शन लेती है। न्यूज़9 भारत के लिए अनस तारिक की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है? नाम हमारा यार मोहम्मद है। हम लोग गांव पे कुछ शादी समारोह था परिवार में, तो गए हुए थे 23-24 की रात में। हमारे पिता ससुर जी यहाँ थे अंदर एक कमरे में। कुछ चोरों ने आकर के ये घर का जो है ना कम से कम 8 ताले तोड़े। वो लोग अंदर घुसे, जो भी सर सामान था CCTV का पूरा सिस्टम उखाड़ ले गए, सिलाई मशीन, रेंजर साइकिल, सोने चांदी के कुछ आइटम थे, जेवरात। उसके बाद में घर में तोड़फोड़ करके वो सारा सामान लेके गए। हम वहाँ से आए, हमें पता चला, चौकी में इन्फॉर्म किए, वहाँ पे तहरीर दिए। 2-3 दिन बाद हमारा मुकदमा लिखा गया, लेकिन कुछ चोरों का अभी कुछ अता पता नहीं चला है। लगभग कितने का माल आपका? लगभग मेरा मानकर चलिए कि 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 1,20,000 के करीब नकदी कैश थे और सामान वगैरह था सब। तो मुकदमे में आपके पूरी चीज़ दर्शाई गई है? मुकदमे के अंदर जो हम तहरीर दिए थे उसके अंदर केस 1,20,000 का हमने बताया था लिखित में, लेकिन उसके अंदर कुछ करेक्शन करके उसके अंदर कुछ नकदी केस ऐसा दिखाया गया है उसमें। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं, वो आए नक्शा बना के लेके गए, कुछ मुकदमे की जो फॉर्मेलिटी थी वो अदा की बस। कितने दिन हो गए? ये तकरीबन चोरी को तो 23-24 की रात में हुआ है, ये लगभग 7-8 दिन हुए, लेकिन अभी मुकदमे के सिवा हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते यही है कि हमको चोर पकड़े जाएं, हमारे सामान का सुराग लगे। हमारे पड़ोस में भी इससे पहले चोरी हो गए, हर आए दिन घटना होती रहती है, तो इसका मतलब यही होता रहेगा नंगा नाच तो कैसा काम चलेगा। यहाँ आए दिन चोरियाँ होती है? आए दिन चोरियाँ होती रहती है। हमारे बगल में भी एक मकान है, पिछले साल उस घर में भी चोरी हुई थी, इस बार भी उस घर का ताला तोड़ा ही गया है। सामान तो उनको नहीं मिला है कुछ, लेकिन घर का ताला तोड़ा गया हमारे बगल वाले घर का। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की लापरवाही से चोरों के हौसले बुलंद है, जाहिर सी बात है। अब इसमें नाम तो पुलिस का ही आएगा, क्योंकि पास में चौकी है, पुलिस का राउंड अप क्या है, कैसा है, घर में कोई है या नहीं है। चोरियां तो चोर धड़ल्ले काम अपना कर रहे हैं बस हमारा। और अगर मान के चले पुलिस मुकदमा लिख करके जो है ना हमको दौड़ा रही है, टहला रही है, हमको इंसाफ नहीं मिला, चोर नहीं पकड़े गए, तो हम उच्च अधिकारियों तक भी जाएंगे और हो सका तो हम लखनऊ तक भी जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी तक की भी हम अपनी शिकायत को लेकर जाएंगे। गरीब आदमी है हम मेहनत से जो है ना एक लॉकडाउन के अंदर
आदमी कहाँ कहाँ से कैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहा है, रखा उठाया चीज जो भी रहेगा घर में वो भी गायब हो जाएगा, तो फिर आम आदमी क्या करेगा, तो क्या करेगा।